कश्मीर में पिछले डेढ़ महीने से चोटी कटवा की दहशत से अफरा तफरी मची है। प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इस बीच किसी भी इलाके में किसी भी अनजान को देखकर लोग उसे चोटी कटवा समझकर पीटने लगते हैं। कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में पुलिस ने एक युवक को बेकाबू भीड़ से तब मुश्किल से छुड़ाया जब भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवी वसीम नामक एक युवक को जलाने की कोशिश कर रहे थे। वसीम को चोटी कटवा समझकर लोगों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर जख्मी हालत में उसे जलाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने वसीम को बेकाबू भीड़ से छुड़ाने के लिए बल प्रयोग किया और उसे भीड़ के चंगुल से आजाद कराया गया। बता दें कि अभी तक 12 पर्यटकों सहित 50 से भी ज्यादा लोग बेकाबू भीड़ के गुस्से का निशाना बन चुके हैं। कश्मीर के विभिन्न भागों में पिछले एक माह में चोटी कटने की 130 से भी अधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई है।